सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार पूरी तरीके से पैसों की तंगी की वजह से जूझ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ शहनाज कौरगिल महीने के करोड़ों रुपए कमा रही हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की मदद करना तो दूर, शहनाज कौरगिल उनसे मिलने तक नहीं जाती। आपको बता दें कि इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली ने अपने फ्लैट्स को बेच दिया है। जी हाँ, बता दें कि एक ही बिल्डिंग में सिद्धार्थ शुक्ला ने अलग अलग फ्लोर पर दो फ्लैट्स खरीद रखे थे, और जिनमें से एक फ्लैट में सिद्धार्थ खुद रहते थे तो वहीं दूसरे फ्लैट में उनकी मम्मी रहा करती थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी ने अपने फ्लैट को बेच दिया है, इस तरीके की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और वो सिद्धार्थ शुक्ला के फ्लैट में जाके रह रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर पैसों की तंगी हो रही है सिद्धार्थ के परिवार को, तो क्या शहनाज कौरगिल का हक नहीं बनता सिद्धार्थ की फैमिली का मदद करना? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के नाम और उनके फेम की वजह से शहनाज यहाँ तक नहीं पहुँची? दोस्तों, आपको जो कुछ भी कहना है कॉमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। और जिन लोगों को बुरा लगा, खासतौर पे उन लोगों को जो कि शहनाज कौरगिल के फैन हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हैशटैग शहनाज का चल रहा था, जिसके लिए शहनाज कौरगिल हर एक वादे कसमें खाने के लिए तैयार थी, तो सिद्धार्थ की आंख बंद होने के बाद उनका फर्ज नहीं बनता सिद्धार्थ की एक बूढ़ी माँ को सपोर्ट करना? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, तो ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।